ये कहते हुए, और मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। स्वामित्व योजना अब मध्य प्रदेश में भी लागू की जा रही है। गांव में जो मेरे भाई और बहन रहते हैं, उनकी कृषि भूमि के तो खसरे और नक्शे होते हैं, उस पर स्वामित्व भी होता है, उससे वो लोन ले सकते हैं, भूस्वामी है। लेकिन ये अजीब बात थी कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी गांव में जिनके पास रहने की संपत्तियां थी, जमीन मकान, उन भूमियों का आबादी के कोई सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्माण कभी किया ही नहीं गया। और इस कारण जो ग्रामीण भाई बहनों को लाभ मिल सकता था अपनी संपत्ति का, वो लाभ कभी नहीं मिल पाया। किसी काम बड़ी बड़ी आवासीय संपत्ति उनके नहीं आ गई, अभिलेख न होने के कारण कई बार विवाद की स्थितियां बनती रही। ग्रामीण भारत की समस्या को हमारे प्रधानमंत्री जी ने ढंग से समझा और भारत के इतिहास में पहली बार यह फैसला किया गया, मोदी जी ने किया, हम भी पक्षधर थे कि जो उनकी गांव की आबादी है, ग्रामीण आबादी को उस आबादी की भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा और इसी का नाम स्वामित्व योजना है। इस योजना के अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण आबादी क्षेत्र का सर्वे किया जाएगा, फिर अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा, ग्रामीण जनता को उनके भूखंड पर मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें स्वामित्व अभिलेख मिलेगा, दिया जाएगा। इस स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता यह होगी कि वो व्यक्ति 25 सितंबर 2018 को आबादी भूमि पर काबिज हो या उसके पश्चात से विधि पूर्वक वो जमीन आवंटित की गई हो। कुछ ऐसे ग्रामीण भी हैं जो आबादी पर ना होकर दखल रहित भूमि पर बसे हैं, हम उन्हें भी न्याय दिलाएंगे। और ऐसी स्थिति में कलेक्टर जांच कर उक्त भूमियों को भी आबादी की भूमि घोषित कर सकेगा और वो भी उसके मालिक होंगे। एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इसका फायदा यह होगा कि सभी ग्रामीण बहनों और भाइयों को संपत्तियों का अधिकार अभिलेख, दूसरे शब्दों में बोलूं भू स्वामित्व प्राप्त होगा। संपत्तियों पर बैंक से लोन लिया जा सकेगा, क्योंकि बेकार थी, क्योंकि लोन ही नहीं लिया जा सकता था। संपत्तियों को पारिवारिक विभाजन, संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया सुगम होंगी, पारिवारिक विवाद संपत्ति पर से कम होंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर भी गांव के विकास की योजनाएं बनाना बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। शासकीय एवं सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा एवं रखरखाव आसान होगा। संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी और संपत्ति के नामांतरण एवं बंटवारा का प्रत्यक्ष अधिकार ग्राम पंचायतों को मिलेगा। मध्य प्रदेश को भी पायलट के रूप में इस योजना के लिए चुना गया है और हमने पहले चरण में 10 जिलों का चयन किया है, मुरैना, श्योपुर, सागर, शहडोल, खरगोन, विदिशा,
भोपाल, सीहोर, हरदा और डिंडोरी इस साल ये जिले लिए जाएंगे, शेष जिले आगामी वर्षों में लिए जाएंगे। मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है जो प्रदेश के प्रवासी कुशल मजदूर जो दूसरे प्रदेशों से मध्यप्रदेश की धरती पर आए हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए कार्य योजना योजनाबद्ध तरीके से बना रहे हैं। हमने मध्यप्रदेश में रोजगार सेतु योजना बनाई है। हमारे जो भाई बहन कुशल मजदूर हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते थे या कहीं और काम करते थे लेकिन हाथों में कौशल है, उनका सर्वे हम कर रहे हैं। सर्वे करने के बाद मजदूरों का विवरण जब हमारे पास होगा, वो कौन सा काम कर सकते हैं ये विवरण हमारे पास होगा, तो हम उन कारखानों के मालिकों से लघु कुटीर, मध्यम बड़े उद्योगों से भी संपर्क करेंगे जिनको कुशल मजदूरों की आवश्यकता है। अधोसंरचना के जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं भावी कुशल मजदूरों की आवश्यकता होगी उनसे संपर्क करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। एक तरफ काम जो जानते हैं उनका विवरण होगा, दूसरी तरफ जिसको जरूरत है उनकी आवश्यकता होगी और वहां उनको काम दिलवाया जाएगा ताकि कोरोना के संकट के समय हमारे कुशल मजदूर भाई बहनों को काम मिल सके। आ रही है वो 20 से 25 जिलों में पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के, लगातार फसलों को भी नुकसान उससे हो रहा है। मध्य प्रदेश में हम सतर्क है, प्रशासनिक अमला सक्रिय है, किसान सजग और सचेत है और लगातार टिड्डी दल को भगाने के लिए जो कार्य हो सकते हैं जैसे धुआं करना, बिना साइलेंसर के ट्रैक्टर चलाना, आवाज करना, शोर मचाना, स्प्रे करके मारना, क्योंकि मारने का भी समय होता है जब वो बैठती है तब सवेरे सवेरे उड़ने के पहले उनको मारने के लिए स्प्रे किया जाता है, वो स्प्रे करना, जितने प्रयास हो सकते संभव सब किए जा रहे हैं। उसके कारण बड़ी संख्या में टिड्डी दल मारा गया है और फसलों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। हम सजग और सचेत हैं।